मैं यहाँ पे आपको फिर से रोकना चाहूँगा। जैसे कि मैं दर्शकों को बता दूँ कि कई सारे हमारे जो किसान भाई या दर्शकगण ये समझ लेते हैं कि एक बार क्रॉसिंग कर लिया तो तुरंत ही आपकी कोई वैरायटी निकल आती है, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैं आप जैसे कि डॉक्टर रामटेक साहब से हम सुन रहे हैं कि जब एक बार क्रॉसिंग होती है उसके बाद में 6 पीढ़ियों तक उसको असेस किया जाता है और उसकी पूरी उसका डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, और कम से कम 6 साल तो अगर एक साल में एक जनरेशन लिए तो 6 साल तो उसी में निकल जाता है। जब उसके बाद में जब आपकी जो कैरेक्टर स्टेबलाइज हो जाते हैं या यूनिफॉर्म हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर वैरायटी निकालने की प्रक्रिया कैसे होती है, उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। वो हमारे ICR के अनुसार 3-tier सिस्टम बोलते हैं इसको, जिसको IVT, AVT और AVT2 में। तो सबसे पहले मतलब IVT होती है, सबसे पहले IVT जनरेशन के बाद में, 6th generation के बाद में पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो ब्रीड करता है वैरायटी, वो ब्रीडर IVT में देगा, इनिशियल वैरायटल ट्रायल जो प्राथमिक टेस्ट बोलेंगे, प्रारंभिक किस्म परीक्षण हो जाता है, और उसके आधार पर ये देखा, इवैल्यूएशन पे ये देखा जाता है कि जनरली अब ये कम जितनी भी हम एंट्रीज लगाते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट एंट्री उपज के हिसाब से या पैथोलॉजिकल हिसाब से कोई रेजिस्टेंट है क्या, वो जी, जी, मतलब सारे कैरेक्टर हम ध्यान में रखते हैं जब वैरायटी ब्रीड करते हैं, तो उसमें देखा जाएगा कि ये हमारा पहला क्राइटेरिया जो होता है वो हाई उपज का ही होता है, अधिक उत्पादन। हम जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी वैरायटी बनाते हैं उसका भी मेन उद्देश्य वही होता है, तो कुल मिला के हम उपज कैसी बढ़े यही हमारा पहली प्रायोरिटी होती है और यही पहला ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसी आधार पर इवैल्यूएशन होता है सारी IVT हो जाएगी, उसके बाद में AVT1 एडवांस वैरायटल ट्रायल 1 और एडवांस वैरायटल ट्रायल, मतलब 3 साल और लग गए, 3 साल और लग गए। अच्छा, तो ऐसे 6, 3, 9 हो जाएंगे। 9 तो जनरली ये प्रोसेस में फिर वैरायटी प्रपोज करना तो 10 साल कम से कम तो निकल ही जाते। मतलब एक वैरायटी निकालने के लिए जो हमारे वैज्ञानिकों को अगर इस साल अगर काम शुरू करे उस पर्टिकुलर ध्यान में रखते, कोई उद्देश्य ध्यान में रखते, तो कम से कम 10 साल ये लग सकते लगे। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से वही विषय पे आता हूँ कि एक चीज़ हमसे छूट गई। आपने जैसे बताया कि शुरुआत में हमने कि पर्पल और वाइट को क्रॉस कर लिया, 6th generation में आपने बोला कि अगर डोमिनेंट जो कैरेक्टर होगा उसी कलर का वो रहेगा ना, उसमें से चुने जाएंगे सेग्रीगेटिंग जितने भी रहेंगे सारी, क्योंकि उसमें वेरिएशन होगा, हम ब्रीडिंग में वेरिएशन ही चाहते हैं, क्रॉस इसलिए करते हैं कि हमको डिजायरेबल दोनों का कॉम्बिनेशन में डिजायरेबल जो हमको हमने जो ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखा था हाई उपज और डिजीज रेजिस्टेंस इंसेक्ट, वो जैसे उस आधार पर उस जो वैरायटी बनेगी उसकी बाद में जो सेग्रीगेशन लाइंस बनेगी, अभी वैरायटी नहीं बनी जी, जो लाइंस बनी है उसमें से हम जो हमें डिजायरेबल दिख रहा हाई उपज और इंसेक्ट रेजिस्टेंस या कोई भी जो डिजायरेबल हो इंसेक्ट रेजिस्टेंट डिजीज ये वाला, तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि हमको ये वाला ज़्यादा हाई यील्डिंग दिख रहा है तो उसको हम छाटेंगे और छाटेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये ICRP की पूरा IVT AVT और AVT2 तक वो चली जाएंगे, उसके बाद में उसका ब्रीडर जो है जिसने ये क्रॉस किया या परीक्षण किया वो अपना AICRPS वर्कशॉप में अपना उसके लिए वैरायटल रिलीज कमेटी के लिए प्रपोजल प्रस्तुत करेगा। उसके बारे में वैरायटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी उसके ऊपर अपनी अनुशंसा करेंगे, फिर उसका गैजेट नोटिफिकेशन होता है होगी और फिर वो इसका मतलब कि एक जब शुरुआत करते हैं कोई ब्रीडर इसके ऊपर कोई डिजायरेबल कैरेक्टर की ऊपर कोई नई वैरायटी का विकास करने में, तो मान लीजिए कि न्यूनतम 9-10 वर्ष तो लग ही जाते हैं। लेकिन अभी जैसे कि 9-10 साल जैसे ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में मतलब इस तरीके का लग जाएंगे, वही तो मैं इसको पूछना चाह रहा था। इसको शॉर्ट करने के लिए हम ये कुछ और तरीके है क्या? हाँ, तो दूसरे जो तरीके है जब ग्लास हाउस में हम लोग ये काम करते हैं तो साल में हम 3 जनरेशन कर सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से वो तो 10 साल के बजाय 5-6 साल में हम लोग कर सकते हैं। जी जी, तो यही एक टेक्निक है कि जो मतलब शॉर्ट जिसको फास्ट करने के लिए हम ग्लास हाउस या पॉली हाउस का इस्तेमाल करके 3 एक साल में 3 जनरेशन लेके हम
ये साल कम कर सकते हैं, अदरवाइज तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में तो 10-12 साल लगने हैं, जिसको कि हम जो नए जो तरीके आए हैं कि जो पॉली हाउसेस है, ग्रीन हाउसेस है, उसमें जो एक साल में 3 साल का काम एक साल में ही कर सकते हैं कंट्रोल सिचुएशन में।